था, लेटर हमने उसमें लिखा है। वो लेटर आपको जो है लिखना है कि आपका मित्र 10वीं परीक्षा में सफल हो गया है और उस पर सफलता, उसकी सफलता पर बधाई देते हुए आपको पत्र लिखना है, पर्सनल लेटर। हमने कहा पहले एड्रेस लिखेंगे, एड्रेस आपने लिख दिया। क्या लिखा? विलेज कसिया खुर्द, पोस्ट कसिया कला, डिस्ट्रिक्ट सोनभद्र, यूपी, पिन नंबर 23/12/16, डेट 16 नवंबर 2024। ठीक है। अच्छा, फिर 4 आ गया क्या? हम तुम लोग 4 में परीक्षा देने वाले हो, इसलिए बार बार मैं 4 में जा रहा हूँ। नेक्स्ट, माई डियर फ्रेंड प्रदीप, अपने मित्रों का नाम लिख रहे हैं, माई डियर फ्रेंड प्रदीप। ठीक है। आई एम वेरी हैप्पी टू नो दैट यू हैव टॉप्ड द कॉलेज इन हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम। ठीक है। मैं यह जानकर प्रसन्न हूं कि तुमने हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम में कॉलेज को टॉप कर लिया है। यू आर या यू हैव बीन ए लेबोरियस, यू हैव बीन ए लेबोरियस स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज। सो यू डिजर्व इट। ठीक है। तुम एक परिश्रमी विद्यार्थी कॉलेज के रहे, इसलिए तुम इसके लायक भी थे। यू डिजर्व, ठीक है, लायक हो। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर ग्रैंड सक्सेस। ऑन योर ग्रैंड सक्सेस, तुम्हारी शानदार सफलता पर मैं तुम्हें बधाई देता हूं। ठीक है, यही लिखना था। हमने अपनी अपनी बात पूरी कर ली, पत्र हमारा समाप्त हो गया है। अब फिर फॉर्मेलिटी करनी है सब्सक्रिप्शन में। सब्सक्रिप्शन में क्या करनी है? तो वही यहां एक लाइन में लिख देना चाहिए प्रत्येक पत्र में कि जल्दी ही तुमसे मिलने की आशा करता हूं। ठीक है, यहां लिख दो आई होप टू सी यू सून। हो गया, मैं तुमसे जल्दी मिलने की आशा करता हूं। अब यहां पर हमने कहा कि जब आप पत्र समाप्त कर रहे हैं, अपने मित्र को पत्र लिख रहे हैं, तो मित्र को पत्र लिखते समय इस बात का ध्यान देना चाहिए कि पत्र को समाप्त करते समय उसके माँ बाप को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। यानी कहना चाहिए कि अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना,
और अपने बड़े अपने छोटे भाई को मेरी तरफ से स्नेह या आशीर्वाद कहना। ये बात क्या दर्शाती है? ये आपका लगाव दर्शाती है आपके मित्र के साथ, ये लाइन केवल। तो इसके लिए आपको क्या लिखना होगा, यहां यहीं पर लिखिए, प्लीज कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स एंड अफेक्शन टू योर यंगर ब्रदर। टू योर यंगर ब्रदर कृपया कन्वे माने कहना, प्लीज के बाद यहां कामा लगा दो, कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड, मेरा प्रणाम कहो अपने माता पिता को और अपने छोटे भाई को मेरा स्नेह कहना। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है क्या, इसमें इधर भी लिख सकते हैं इधर भी लिख सकते हैं, दोनों तरफ लिखा जाता है। यहां आप लिखेंगे योर्स, योर्स लविंग भी लिख सकते हैं, तुम्हारा प्रिय लविंग फ्रेंड। यहां पर एक्स वाई जेड आप लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यहां आपको अपना नाम लिखना ही है, जो पत्र लिखता है उसी को लिखना है। यदि मान लीजिए यहां नाम दिया है कि आप कौन हैं, तब एक्स वाई जेड नहीं लिखेंगे, तब वही वही वाला नाम लिखेंगे। यदि लेटर वाले क्वेश्चन में नाम दिया है तब तो वही वाला नाम लिखेंगे, एक्स वाई जेड नहीं लिखेंगे, और यदि नाम नहीं दिया है तो एक्स वाई जेड लिखेंगे, क्योंकि ये साफ साफ पेपर में इंडिकेशन होता है क्या कि डू नॉट राइट योर नेम एनीवेयर इन योर आंसर शीट, आप अपने आंसर शीट में कहीं भी नाम नहीं लिखिए, ऐसा इंडिकेशन रहता है।